दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले मैंने टाइटल और थंबनेल पर देख चुके होंगे कि किस तरह से फोटो एडिट किया हुआ था। सिंपल से टिप्स की मदद से आप भी इस तरह का फोटो एडिट कर सकते हो। सिंपल से आसानी से आप अपने फोटो में इफेक्ट चढ़ा सकते हो। डायरेक्ट इस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा प्रोसेस बताने वाले इस वीडियो के अंदर किस तरह से आप अपने इफेक्टों को यहाँ पे डायरेक्टली अपने फोटो में चढ़ा सकते हो। अपने फिल्टर को इस तरह से कैसे आप चढ़ा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कमेंट भी आ रहा था इस तरह से फिल्टर को लगाया जाता है। सिंपल से ट्रिक की मदद से इस फोटो को आप आसानी से इफेक्ट के साथ आप लगा सकते हो, अपने स्टोरी में, अपने रील्स में अपलोड भी कर सकते हो। चलते डायरेक्टली वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट कर। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे सिंपली ओपन करना है। अपने प्रोफाइल को यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लैपटॉप आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा यहाँ कोई फिल्टर यहाँ पे इफेक्ट नहीं है सेव किया हुआ। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं अपने इफेक्ट को यहाँ पे सेव करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने यहाँ पे किस तरह से इफेक्ट को सेव किया जाता है, अपने स्टोरी पे यहाँ पे इफेक्ट को लगाया जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे मेरा स्टोरी पे भी यहाँ पे देख सकते हो, मेरा स्क्रीन पे भी देख सकते हो और मेरा स्टोरी पे भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कोई इफेक्ट यहाँ पे सेफ नहीं है, आप इस तरह से इफेक्ट को अपने सेव करके डायरेक्ट लगा सकते हो। सिंपली यहाँ पे बैक आना है। तो इस फिल्टर को लगाने के लिए आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्क्रीन पे, यहाँ पे गौर से देखना, वीडियो को स्किप मत करना वरना आप यहाँ पे इस इफेक्ट के साथ अपने फोटो फिल्टर नहीं चला पाओगे। सिंपली रील्स पे क्लिक करना। रील्स पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी फोटो पे आप फिल्टर चढ़ाना चाहते हो सिंपली उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो फिल्टर का आइकन, उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना। फिल्टर पे आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च पे आइकन पे यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है वाटर, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्क्रीन पे वाटर यहाँ पे सर्च करना है। इफेक्ट को यहाँ पे गौर से देखना वरना आप इस इफेक्ट को यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो सिंपली वाटर को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे दूसरा नंबर पे वाटर, उस पर आपको यहाँ पे सिंपली उस पर क्लिक करके रखना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे चढ़ चुका मेरे फोटो पे। तो उसके बाद यहाँ पे सेव का आइकन है, सेव के आइकन पे क्लिक करना। सेव के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट पूरा यहाँ पे बैक आना है, पूरा डिस्कट यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे डिस्कट करने के बाद पूरा यहाँ पे बैक आना। बैक आने के बाद मेरा स्क्रीन पे यहाँ पे डायरेक्ट होम पेज पे आना है, इंस्टाग्राम का होम पेज पे आना है। इंस्टाग्राम के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं योर स्टोरी, यहाँ पे माय स्टोरी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्क्रीन पे। योर स्टोरी पे क्लिक करना। योर स्टोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरी पे लगाना है, तो आप यहाँ पे स्टोरी सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टोरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जिस भी फोटो पे आप फिल्टर चढ़ाना चाहते हो सिंपली उस फोटो को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने एडजस्ट यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो सिंपली एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिल्टर के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर, जो फिल्टर वहाँ पे सेव किए थे वो यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है। फिल्टर को यहाँ पे क्लिक करना। फिल्टर पे क्लिक करके रखने। फिल्टर को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिल्टर को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ चुका मेरे फोटो पे। यहाँ पे देख सकते हो मेरा इमेज पे यहाँ पे डायरेक्ट इस इफेक्टों के साथ यहाँ पे लग चुका है। सिंपली इस तरह से आप अपने फोटो में इस इफेक्टों को चढ़ाकर डायरेक्टली आप अपने रील्स को पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह पे आप अपने इस पोस्ट को यहाँ पे इस इफेक्ट के साथ चढ़ा सकते हो अपने फोटो पे। डायरेक्टली इस फोटो को यहाँ पे पोस्ट करने के लिए आप अपने स्टोरी को पोस्ट करने के लिए यहाँ पे डन पे क्लिक करना। डन पे क्लिक करने के बाद शेयर पे क्लिक करना। शेयर पे क्लिक करने के बाद दोबारा शेयर पे क्लिक करना। दोबारा शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना। स्टोरी यहाँ पे लगा या नहीं लगा मैं आप लोगों के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लाभ दिखाऊंगा। मेरा स्टोरी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे मेरा स्टोरी पे यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्टोरी यहाँ पे लग चुका है। इस तरह से सिंपल से टिप्स की मदद से मैं स्टोरी यहाँ पे लगा चुके हैं। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे स्टोरी लगा के इस फिल्टर को यहाँ पे सेव कर सकते हो। डायरेक्टली मेरा स्टोरी यहाँ पे लग चुका देख सकते हो, इस इफेक्ट के साथ मेरा स्टोरी लग चुका है। तो सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ पे डायरेक्ट एडिट कर सकते हो इस वीडियो की मदद से। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो इस तरह से आप अपने फोटो को इफेक्ट के साथ बहुत आसानी से एडिट कर सकते हो। सिंपली इस फोटो पे इफेक्ट चढ़ाने के लिए आपको कोई अदर ऐप की जरूरत नहीं। सिंपली आप अपने फोटो को इस तरह से भी एडिट कर सकते हो।